हेलो एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। चलिए तो बेटा, कल के आगे यदि हम लोग एक्सरसाइज को एक्सटेंड करते हैं तो जो आज के डेट में आपका एक्सरसाइज होगा वो होगा 10.5। आपका जो एक्सरसाइज है वो 10.5। तो हमने आप लोगों को बताया था कि इस प्रैक्टिकल ज्योमेट्री मीन्स कंस्ट्रक्शन में प्रैक्टिकल ज्योमेट्री जिसमें आप लोगों को कंस्ट्रक्शन देखना होता, तो कंस्ट्रक्शन में हमने बताया था कल ही या लास्ट लेक्चर में ही कि आप लोगों को जैसे आप लोग कांग्रुएंसी में देखे थे यस 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 कांग्रुएंसी, यस ए एस कांग्रुएंसी, ए एस ए कांग्रुएंसी और उसके बाद आर एच यस कांग्रुएंसी, तो वैसे ही हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग कंस्ट्रक्शन में भी यस 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 कंस्ट्रक्शन देखा। पहले ऑल थ्री साइड्स दी गई हो तो ट्रायंगल कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। उसके बाद में हमने देखा कि दो साइड और उनका इंटीरियर इंक्लूडेड एंगल दिया गया हो, टू साइड्स दिया गया हो उनका इंक्लूडेड एंगल, मीन्स ऐसे टू साइड्स है तो ए इंक्लूडेड एंगल हुआ, ए दिया गया है, तब आपका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा ट्रायंगल का। उसके बाद थर्ड स्टेप में हमने देखा एंगल साइड एंगल में टू एंगल्स दिए गए हैं एंड इंक्लूडेड साइड दी गई है, तब आपका ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कैसे होगा। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया, आज जो है आपका लास्ट है और वो है आर एच एस। आर एच एस मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल। आप लोगों को क्या कंस्ट्रक्ट करना रहेगा? राइट एंगल ट्रायंगल। आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना रहेगा जिसमें उसका एक साइड दिया रहेगा, मतलब इन दोनों में कोई एक दिया रहेगा, इन दोनों साइड्स में कोई एक साइड दिया रहेगा और इसके बाद में आपका ये दिया जाएगा, इसके बाद में आपका हाइपोटेनस। तो मतलब आपको हाइपोटेनस मालूम होगा एंड बेस एंड परपेंडिकुलर लाइन में से कोई एक मालूम होगी, तब फिर कैसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे उसके बारे में इस एक्सरसाइज में आप लोगों को स्टडी करना है, राइट। तो चलिए अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पर और देखते हैं कैसे होगा। तो बेटा यहाँ पे जो एक्सरसाइज 10.5 है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट द राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर। एक राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर कंस्ट्रक्ट करना है आप लोगों को, वेयर एंगल मेजर एंगल क्यू 90 डिग्री। एक चीज़ दे दिया, एंगल क्यू क्या होगा 90 डिग्री पर, 90 डिग्री का वहाँ एंगल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। क्यू आर क्या है? 8 सेंटीमीटर है। क्यू आर कितना है? 8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है एंड पी आर जो है वो आपका 10 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है। तो पहले हमने क्या बताया था, पहले हम क्या करेंगे कि एक रफ़ फिगर बनाएंगे। तो रफ़ फिगर हमने सपोज दैट ऐसे बना लिया, ये पी क्यू आर, क्यू पर क्या होता, क्यू पर 90 डिग्री का एंगल था, क्यू पर एंगल कितने का था 90 डिग्री, तो ये हमने यहाँ पे 90 डिग्री शो कर दिया, तो ये आपका पी क्यू आर हो गया। अब इसके बाद में क्या दिया, क्यू आर 8 सेंटीमीटर, मीन्स ये आपका क्या है 8 सेंटीमीटर है एंड पी आर कितना है 10 सेंटीमीटर, ये आपका दिया गया है, यही आपको ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो कैसे करेंगे? इतना देखने पर तो काफ़ी कुछ क्लियर हो गया कि पहले हम 8 सेंटीमीटर का लाइन बना लें, और पहले हम 8 सेंटीमीटर का लाइन नहीं, लाइन सेगमेंट, लाइन तो बहुत ही लेंदी होता है, तो पहले हम कोई लाइन ड्रा कर ले फिर उसके बाद 8 सेंटीमीटर का उसमें से लाइन सेगमेंट कट कर ले, तो क्यू आर मालूम हो गया। अब क्यू आर मालूम हो गया तो मालूम है क्यू पे एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, तो आप 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो लाइन जो है लेंदी हो जाएगी। उसके बाद में आर से आप 10 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के कंपास से एक आर कट करेंगे तो 90 डिग्री एंगल वाले लाइन को। तो बेटा क्या करना है, 10 सेंटीमीटर का आपको एक आर्क ड्रा करना है, तो देखेंगे जो 90 डिग्री वाला एंगल था उस लाइन को कट कर देगा, जिस पॉइंट पे कट करेगा वही पॉइंट पी होगा, फिर पी आर को आप ज्वाइन कर दीजिए, हो गया आपका ट्रायंगल पी क्यू आर। तो अब देखिए हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। फर्स्ट में क्या करेंगे, वी ड्रा अ लाइन हुज इनिशियल पॉइंट क्यू। हमने एक लाइन ड्रा किया जिसका इनिशियल पॉइंट क्या है, क्यू है, 10
टेक 8 सेंटीमीटर रेडियस इन आवर कंपास, ड्रा अ आर्क फ्रॉम क्यू हुज कट द लाइन क्यू एट पॉइंट आर। आर पे इन्होंने क्या कर दिया, आकर के कट कर दिया। जब आर पे इसने कट कर दिया तो ये क्या हो गया, ये आपका 8 सेंटीमीटर का क्यू आर लाइन सेगमेंट हो गया। अभी ये पूरा लाइन था और ये क्या हो गया, क्यू आर 8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन। तो क्यू आर आपका 8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट हो गया। अब इसके बाद में क्या करेंगे कि क्यू पर कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। तो हम आप कंपास की हेल्प से क्या करेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब कैसे बनेगा वो भी बता दे रहे हैं। 90 डिग्री के एंगल के लिए हम क्या करेंगे, कोई एक रेडियस ले करके यहाँ से हम एक आर्क ड्रा करेंगे ऐसे। उसके बाद उसी सेम रेडियस से एक आर्क यहाँ करेंगे और एक दूसरा आर्क आपका यहाँ करेंगे। ये आपका 60 डिग्री का हो जाएगा और यहाँ पे जो बनेगा आपका 120 डिग्री का हो जाएगा। फिर इसको लेकर और इसको लेकर ऐसे करेंगे तो ये जो आपका बनेगा वो क्या होगा, 90 डिग्री। कितने का हो गया है, ये 90 डिग्री का हो गया। अब ये 90 डिग्री का हो गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर का रेडियस ले करके अपनी कंपास में हम 10 सेंटीमीटर का रेडियस ले करके पॉइंट आर से एक आर्क ड्रा करेंगे अप साइड में। तो जो आर्क हम ड्रा करेंगे वो देखेंगे कि इस लाइन को आर्क पॉइंट आर पर कट करेगी। इस लाइन का नाम हम क्यू एक्स दे देंगे, इस लाइन का नाम क्या दे देंगे, क्यू एक्स। तो क्यू एक्स को पॉइंट पी पर, आर तो वहाँ पहले से ही था, क्यू एक्स को पॉइंट पी पर कट कर देगा। तो फिर आप पी को ऐसे आर से ज्वाइन कर दिएगा, यही आपका हो गया रिक्वायर्ड ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट। अब स्टेप पे आते हैं हम लोग, देखिए कैसे स्टेप। तो स्टेप फर्स्ट क्या होगा, वी ड्रा अ लाइन हुज इनिशियल पॉइंट क्यू। स्टेप सेकेंड, टेक 8 सेंटीमीटर रेडियस इन आवर कंपास, ड्रा एन आर्क फ्रॉम पॉइंट क्यू हुज कट द लाइन एट पॉइंट आर। तो ये जब आर पर वो कट करेगा एट पॉइंट आर, विच इज़ रिक्वायर लाइन सेगमेंट क्यू आर 8 सेंटीमीटर, राइट। तो ये तो आपका था स्टेप सेकेंड। अब स्टेप थर्ड पे आते हैं, कंस्ट्रक्ट 90 डिग्री एंगल एट पॉइंट क्यू विद द हेल्प ऑफ कंपास। बस इतना आप लोगों को रखना है, कंस्ट्रक्ट 90 डिग्री एंगल एट पॉइंट क्यू विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड ज्वाइन द 90 डिग्री एंगल लाइन, ड्रा अ 90 डिग्री एंगल लाइन, लाइन उस लाइन का नेम हो जाएगा लाइन क्यू एक्स। क्या हो जाएगा नेम उसका, क्यू एक्स, हम उसकी नेमिंग कर दिए, क्यू एक्स हो गया आपका। अगेन ये तो आपका स्टेप थर्ड था। स्टेप फोर में देखिए क्या करना पड़ेगा, वी टेक अ 10 सेंटीमीटर रेडियस इन आवर कंपास एंड ड्रा एंड आर्क फ्रॉम पॉइंट आर हुज कट क्यू एक्स एट पॉइंट पी। अब जो हमने आर्क लिया था 10 सेंटीमीटर का, आर से जिसको हमने जो आर्क को ड्रा किया 10 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के, जो हमने पॉइंट आर से एक आर्क ड्रा किया, तो क्यू एक्स को कहाँ कट किया, पी पर कट किया। ये आपका स्टेप फोर्थ था। स्टेप फिफ्थ जो होगा, ज्वाइन पी क्यू आर विच इज़ रिक्वायर्ड ट्रायंगल पी क्यू आर। बस इतना ही करना है, 5 स्टेप्स हैं। स्टेप्स एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, इसको देख लीजिएगा। फर्स्ट में वी ड्रा अ लाइन हुज इनिशियल पॉइंट क्यू। स्टेप सेकेंड, इनिशियल पॉइंट क्यू हो गया। स्टेप सेकेंड में वी टेक 8 सेंटीमीटर रेडियस इन आवर कंपास, ड्रा एंड आर्क फ्रॉम पॉइंट क्यू हुज कट द लाइन क्यू एट पॉइंट आर विच इज रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट क्यू आर 8 सेंटीमीटर, राइट। ये आपका क्या हो गया, स्टेप सेकेंड हो गया। स्टेप थर्ड में आइए, वी कंस्ट्रक्ट 90 डिग्री एंगल एट पॉइंट क्यू, राइट, एंड ड्रा 90 डिग्री एंगल लाइन क्यू एक्स। क्लियर, इतना क्यू एक्स को भी यहाँ पे कर दिया हमने। नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा आपका, टेक 10 सेंटीमीटर रेडियस इन आवर कंपास, ड्रा एंड आर्क फ्रॉम पॉइंट आर हुज कट द क्यू एक्स एट पॉइंट पी, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप जो आपका रहेगा, ज्वाइन पी आर विच इज़ रिक्वायर्ड राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू, इतना ही। ओके,
नेक्स्ट आपका बेटा क्वेश्चन नंबर टू है, तो क्वेश्चन नंबर टू में कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल। आप लोगों को एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है हुज हाइपोटेनस इज 6 सेंटीमीटर। उसका हाइपोटेनस कितना है? 6 सेंटीमीटर है। एंड वन ऑफ लेग्स इज 4 सेंटीमीटर, और उसका वन लेग क्या है? 4 सेंटीमीटर है। तो अब आप कहेंगे सर यहाँ तो कोई एंगल की बात ही नहीं की गई है, यहाँ पर तो किसी एंगल की बात ही नहीं की गई है, ना तो कोई साइड दिया गया है। तो अब देखिए, पहले हम लोग रफ फिगर बनाएंगे, उसके बाद देखिए। एक हमने रफ फिगर बनाया, पहले ही उन्होंने कह दिया ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का हमने एक रफ फिगर बना लिया, सपोज कर लिया कि ये आपका ABC है, ये जो ट्रायंगल है आपका ABC है, और B पर आपका क्या है? राइट एंगल बना हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हाइपोटेनस कितना है? 6 सेंटीमीटर है। तो A आपका क्या हो गया? 6 सेंटीमीटर हो गया। AC आपका कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर हो गया। और उसके बाद में आपका वन लेग कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो हमने सपोज कर लिया कि यह लेग हमारा कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो आप एक चीज़ जानते हैं कि अगर हाइपोटेनस को छोड़ दिया जाए तो जो टू लेग्स बचते हैं वो दोनों लेग के बिटवीन का एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। वे दोनों लेग्स क्या होंगे? एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर टिल्ट होंगे। तो जब वो 90 डिग्री एंगल पर टिल्ट हैं तो फिर फिगर तो क्लियर है, यहाँ 90 डिग्री बनाना है। अब इस क्वेश्चन में जब कोई पॉइंट नहीं दिया गया है तो देखिए इसमें आप लोगों को कुछ पॉइंट डालने पड़ेंगे। लेट ABC अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल इन विच BC इज इक्वल 4 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल 6 सेंटीमीटर, एंड एंगल B इज इक्वल 90 डिग्री। पहले ही लेट कह दिया गया, लेट कह दिया गया मतलब इन सब चीज़ों को हमने क्या कर लिया है? लेट कर लिया है, कंसीडर कर लिया है, राइट। तो जब आप इतना कर देंगे तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आपका रफ फिगर हो गया। अब आप फेयर फिगर में आइए, तो आपका स्टेप फर्स्ट में क्या होगा? वी ड्रा अ लाइन हुज इनिशियल पॉइंट B, वी टेक 4 सेंटीमीटर रेडियस इन आवर कंपास, ड्रा एंड आर्क फ्रॉम पॉइंट B, हुज कट द लाइन B एट पॉइंट C। तो ये आपका क्या हो गया? BC इज 4 सेंटीमीटर, BC इज अ लाइन सेगमेंट कितने मीटर का है? 4 सेंटीमीटर का, राइट। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? बी कंस्ट्रक्ट 90 डिग्री एंगल एट पॉइंट बी फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ कंपास, बी कंस्ट्रक्ट 90 डिग्री एंगल एट पॉइंट बी विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो यहाँ पर हमने क्या किया? कंपास की हेल्प से 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया, 90 डिग्री का एंगल क्या कर लिया? कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो ये 90 डिग्री का आपका एंगल बन गया आपका, राइट। अब ये आपका बी है, इसका हम नेमिंग कर देते हैं BX कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं? BX हो गया। अब इसके बाद में उन्होंने कह रखा है कि हाइपोटेनस AC कितने का है? 6 सेंटीमीटर का। टेक 6 सेंटीमीटर रेडियस इन आवर कंपास, वी ड्रा आर्क फ्रॉम पॉइंट C हुज कट BX एट पॉइंट A, हुज कट VX एट पॉइंट A। तो BX को जो था वो 6 सेंटीमीटर रेडियस का आर्क जो था A पर कट कर दिया। वी ज्वाइन AC, हमने क्या कर दिया? AC को ज्वाइन कर दिया, विच इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल ABC। बस इतना ही। स्टेप को एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। स्टेप वन, वी ड्रा अ लाइन हुज इनिशियल पॉइंट B। स्टेप सेकेंड, टेक 4 सेंटीमीटर रेडियस इन आवर कंपास, वी ड्रा आर्क फ्रॉम पॉइंट बी, पॉइंट बी से हमने क्या कर दिया? एक आर्क ड्रा किया, हुज कट द लाइन बी एट पॉइंट सी विच इज रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट BC 4 सेंटीमीटर, राइट। ये आपका था स्टेप सेकेंड। स्टेप थर्ड में, वी कंस्ट्रक्ट 90 डिग्री एंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास एट पॉइंट बी, राइट, एंड ज्वाइन द लाइन BX। BX से लाइन कौन सी है जो ज्वाइन कर रहे हैं? वो 90 डिग्री एंगल का है, राइट। ए आपका स्टेप थर्ड था।
नेक्स्ट स्टेप फोर में वी टेक 6 सेंटीमीटर रेडियस इन आवर कंपास एंड ड्रा अ आर्क फ्रॉम पॉइंट सी हुज कट बी एक्स एट पॉइंट ए, राइट। ए आपका स्टेप क्या था, फोर था। स्टेप फिफ्थ में ज्वाइन ए सी विच इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल ए बी सी, राइट। तो ये बस इतना ही आपको फाइव स्टेप्स इसमें करना है। वैसे स्टेप को कोई फाइव में भी कर सकता है, कोई 10 स्टेप लिख जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई और कम में भी 2 ही 3 स्टेप में कर ले जाता है। तो ये डिपेंड नहीं करता कितने स्टेप लिख रहे हैं, डिपेंड ये करता है कि जो चीज़ें आपने किया है उसको लिखा है या नहीं, जो चीज़ें आपने किया उसको नोट डाउन किया है या नहीं, राइट। तो इस प्रकार बेटा जो था आपका ए एक्सरसाइज भी आज यहाँ पर ओवर हो गया। तो इस प्रकार बेटा इस एक्सरसाइज के साथ साथ है आपका चैप्टर भी आज यहाँ कंस्ट्रक्शन का ओवर हो गया। तो NCERT के अकॉर्डिंग चैप्टर 10 आपका क्या हो गया, ओवर हो गया। तो आज के डेट में जो HW रहेगा बेटा वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। ये तो NCERT के अकॉर्डिंग है, प्लस RS अग्रवाल के अकॉर्डिंग जो था वो आपका बेटा एक्सरसाइज 17B भी यहाँ पर ओवर हो गया। तो दोनों चीज़ें ये चैप्टर ही आपका कंस्ट्रक्शन का RS अग्रवाल एंड NCERT दोनों से ओवर हो गया। हाँ, NCERT में एक चीज़ बहुत अच्छी दी गई है, ये चैप्टर 17 के समाप्त होने पर एंड होने पर वो जो MCQ दिया गया है उसमें सबके सब एंगल्स दिए गए हैं और एंगल्स को ही पूछे गए हैं। तो बहुत ही IMP एक्सरसाइज है बेटा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसलिए हम सभी स्टूडेंट से कहेंगे कि उस एक्सरसाइज को तो निश्चित तौर पर सॉल्व कर लें, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में चाहे SA1 हो, अदरवाइज आपका SA2 हो और या तो Unit 3 हो, जो भी एग्ज़ाम होंगे Unit 4 जो भी एग्ज़ाम होंगे सब में हम वहाँ से क्वेश्चन रखेंगे हर एग्ज़ाम में। अब के बाद जितने भी एग्ज़ाम होंगे पढ़ाने के बाद में, तो ईच एंड एवरी एग्ज़ाम सेक्शन में हम वहाँ से 1-2 क्वेश्चन अवश्य रखेंगे। तो इसलिए आप लोगों को कह रहे हैं कि एक्सरसाइज 17 के में जो आपका MCQ है उसको आप लोग अवश्य सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो ठीक है बेटा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, थैंक्स।